अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां चोरहटा हवाई पट्टी के विस्तार करने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, लंबे समय से कई गांवों के किसानों की जमीनों की बिक्री नामांतरण गिरवी पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते किसान परेशान है। यहां तक कि किसानों के बच्चियों की शादियां नहीं हो पाई तो कई किसानों की बीमारी में उपचार नहीं हो पाया। इसकी वजह यह थी कि किसानों के पास सिर्फ संपत्ति के नाम पर जमीन थी। प्रतिबंध के चलते किसान ना तो जमीन को बेच पाया, ना ही स्थानांतरण कर पाया, जिसके चलते कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। किसान लंबे समय से विरोध कर रहे थे कि उनकी जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार विरोध कर रहे किसान सोमवार को कलेक्टर मनोज पुष्प से मिलने पहुंचे और हवाई पट्टी के विस्तार में रोक लगाने के साथ साथ आसपास के गांव में लगे प्रतिबंध को हटाने और जो जमीनें ली गई हैं उनका उचित मुआवजा देने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं किसानों ने क्या कहा है। कि माने इसमें हवाई पट्टी का विस्तार रोका जाए, साथ में किसानों की जो माने ये रोक लगे उसे सर हटाया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि रीवा चोरहटा हवाई पट्टी थी, पट्टी थी सिर्फ, तो पट्टी बनाई गई थी, उस समय किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया। उसके बाद अब ये हवाई अड्डा राजनेताओं का, राजवाड़ों का शौक पूरा करने के लिए, किसानों को उजाड़ने के लिए हवाई पट्टा बन रहा है। अब हवाई पट्टा तो उसके लिए देख सकते हैं आप, 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा आए। आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे स्थानीय विधायक जो कह देते हैं वो मुख्यमंत्री जी कर देते हैं। स्थानीय विधायक जी ने कहा कि हवाई पट्टी का विस्तार होना, इतने गांव की जमीनों में रोक लगा दी जाए, तो बिंद उत्सव के समय से ये रोक लगा दी गई। चुरहटा, चुरहटी, केमार, अगडाल और उमरी और पतेरी और रघुनाथपुर, सब किसानों की जमीनों में। आप सोच सकते हैं, किसान अपनी जमीनों को बंधक नहीं कर सकता, किसान अपनी जमीन को बेच नहीं सकता, किसान अपनी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकता, किसान अपने बच्चों के नाम जमीन नहीं करा सकता, सिर्फ खेती कर सकता उसमें लिखा है। लेकिन आप सोच सकते हैं, अगर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएगा उसमें भी तो बंधक होती है। तो किसानों में 2016 से सोच सकते हैं, 2016 से 22 तक आज तक रोक लगी हुई है, रोक अभी तक हटाई नहीं गई है। कई लोग बीमारियों से पीड़ित हुए, कई लोग बीमारियों से खत्म हो गए। अब सारी जमीन किसानों की स्क्वायर फीट वाली जमीन हो गई है, नेशनल हाईवे से लगी हुई जमीन है। तब भी हम आपके चैनल के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं, माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, हवाई पट्टी का विस्तार हवाई अड्डा न बने। हाँ, हवाई अड्डा न बने, क्या बने वहाँ पर? वहाँ पे हवाई पट्टी तो पट्टी रहने दिया। विकास एक तरफ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ लोग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो किसानों को उजाड़ दिया जाएगा। सुनिए, सतना के सांसद जी कहते हैं सतना में हवाई पट्टी बनना चाहिए, रीवा के सांसद जी कहते हैं, विधायक जी कहते हैं रीवा में हवाई पट्टी बननी चाहिए, और आपके सीधी सांसद कहती है सिगरौली हवाई पट्टी बननी चाहिए। हवाई पट्टी बनने चाहिए, आप जो कह रहे हैं कि हवाई पट्टी नहीं बनना चाहिए, तो आप सोचिए, बेंचूरा चला है, आप ले लीजिए जानकारी प्रशासन से, बेंचूरा में कितने सवारी मिलते थे, कितने लोग बेंचूरा में गए, बेंचूरा की सीटें खाली जाती थी, क्या बोइंग होगी? और रीवा जिले में आपके चैनल के माध्यम से सांसद जी और आठों विधायकों से मांग करते हैं, आप सब लोग पार्टियों के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन गांव में भी पगडंडियां नहीं है। तो आप भी बताइए कि गांव में पहले रास्ते होने चाहिए, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, लोग बाग खाट में अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो उन जनप्रतिनिधियों का फर्ज नहीं बनता? आगे गांव की पगडंडियों को दुरुस्त करिए। कलेक्टर साहब से मुलाकात की, कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात की, ज्ञापन दिया है और उनसे हमने कहा है कि हवाई पट्टा की विस्तार पूरी तरह रोका जाए और किसानों को माने स्क्वायर फीट वाली जमीन है, किसानों को प्रताड़ित न किया जाए, 2016 से लगी हुई रोक तुरंत हटाई जाए और आगे पहले रीवा जिले के सभी गांवों को रास्ता से जोड़ा जाए, उसके बाद हवाई पट्टी का विस्तार किया जाए, नहीं किसान जोरदार विरोध करें। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।